रक्तांबुरुह दर्प भंजन महा सौंदर्य नेत्र द्वयं मुक्ताहार विलंबि हेम मुकुटम रत्नज्वल मकुंडलम वर्षा मेघनील समान वपुषम ग्रैवेयहारान्वित पार्श्वे चक्रधरम प्रसन्न वदनं श्री नीलाद्रिनाथ भजे। भगवान श्री श्री जगन्नाथादि चतुर्धा मूर्तिंकर भयचरणारविंदर अनंत कोटि प्रणाम। मन्नाथ श्री जगन्नाथ मद्गुरु श्री जगद्गुरु मदात्मा सर्वभूतात्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथ महाप्रभुंकर पवित्र सिंह द्वार भक्त मानकर प्रवेश चली। जय जगन्नाथ टीवी अगणित दर्शक बंधु को श्रद्धा सम्मान प्रणाम पूर्वक आमर प्रातकालीन सीधा प्रसारण को स्वागत करुच्ची। जो सीधा प्रसारण कार्यक्रम आपण माने द्वार फिटा ठारु देखुचंती महाप्रभुंकर सूर्य उदय मध्य दर्शन कले श्रीक्षेत्ररु। एतत व्यतीत श्रीक्षेत्रर पतित पावन नारायणकर आमर प्रातकालर प्रवचन कार्यक्रम को आपण मानकु पुनर्बार स्वागत। श्री जगन्नाथ महाप्रभु ए सिंहद्वार को दर्शन करदेले। आपण माने देखिबे सिंहद्वार को केवल तब दर्शन मात्रेण दर्शन करिबा माने आपण जानिले जे वैकुंठरे अछन्ति। कारण आउ इमिति द्वार पृथ्वी रे कोठी नाही जेउ द्वार भक्त टीए पहुंची गले से सर्वस्व पाई जाए किछि आउ तार मने पड़ेनि। महाप्रभुंकर सिंह द्वार रे पहुंची गले भक्त अनेक कथा भावि थाए या कहिबी ता कहिबी किछि मन पड़िबनि। एथि पाई सिंह द्वार औचंती सर्वत भाव रे पूर्ण द्वार। आज आम नृसिंहंकर मंदिर श्रीक्षेत्र आपण माने देखिबे दर्शक बंधु इटि नैवेद्य समर्पण होम पाखरे टीवी पर्दा उपरे जो दृश्यटी आसुची पतित पावनकर प्रातकाल बेश इत्यादि सरी अवकाश परे नैवेद्य समर्पण होष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ये जो नैवेद्य नैवेद्य हूँ स्वतंत्र विशेष भाव महाप्रभु जगन्नाथ गोपाल मंत्र रे नैवेद्य होई थाए। वासुदेव मंत्र रे भगवान बलराम भगवती देवी सुभद्रांकर भुवनेश्वरी मंत्र रे सस्रार मंत्र रे भगवान संसुदर्शनाय नमः। इवली भाव रे भूदेवी श्रीदेवी को मध्य रथर सिंहासन रे नैवेद्य करा जाय था। तबे जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे ये सब रीति नीति लीला जो रही प्रातकाल आपण माने देखुचंती पतित पावनकर मंगल आरती परे महाप्रभु अवकाश नित्य स्नान विधि जहाँ कह जाए से स्नान विधि करा जाई ता परवर्ती पर्याय रे कालिया शांतंकर स्वतंत्र भाव रे
जो विधि व्यवस्था करा जाए छी कारण जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र ए भली क्षेत्र सारा पृथ्वी आउ कौटि से जगन्नाथ महाप्रभु को भक्त मान दर्शन करने विभिन्न दूर दूरातर आसी श्रीक्षेत्र रुंडीभूत हो प्रभुंकर दर्शन करुछंती। विशेष भाव आमर आज जेहेतु नृसिंह मंदिर पतित पावन पार्श्वरे आपण माने देखिबे सिंहद्वार गुमुटरे भी नृसिंह अछंती कारण अनेक नृसिंह श्रीक्षेत्र सिंहद्वार गुमुटरे मध्य नृसिंह अछंती जहांकु हाते देउलरे बाईश हाते दियोंबिली कह जाए से नृसिंह भगवान विराजमान करिछंती। बड़ा कमनीय मूर्ति भक्त मानकर भावावेग सहित जड़ित संपूर्ण भाव पाखरे महाप्रभुंकर कर्पूर आरती जो आरती कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार भुजगेन्द्र हारम सदा बसंतम हृदयार बिंदे भवम भवानी सहित मु नमामि। भगवान करो सत्य युगरे ऋषि माने महाप्रभु को आरती करुथिले सेई आरती कर्पूर आरती तेणु कर्पूर आरती को भगवान करो श्रीमंदिर मध्य जो आरती रो व्यवस्था एको आरती बोली कहंती जगन्नाथ मंदिर तेणु ए आरती आपण माने देखिबे अन्यत्र जगन्नाथ महाप्रभु मंदिर छाड़ी देले अन्यत्र आरती रो धारा होची गोटे प्रकार स्वतंत्र किंतु जगन्नाथ मंदिर रो आरती धारा होची स्वतंत्र ए कौनसी मंदिर सहित मिसे नाही। तेणु श्रीपाद पद्मरे श्री सर्वांगर आरती को समर्पण करी सत्य युगर ऋषि माने जो परंपरा सृष्टि करथिले आज ता अच्छी महाप्रभु पाखरे तीन युगर नीति करा जाउछ। एठी ये आरती स्वतंत्र कारण आई आरती को हूँ कर्पूर पुरेण मनोहरेणम सुवर्ण पात्रम दर्शस्थितेनम प्रदीप भाषा सहसागते नीरांजनाते भुवि दर्शयामि। जगन्नाथ महाप्रभुंकर आपण माने देखिबे सुनार मध्य आरती दानी अछि से आरती दानी रे मध्य विविध समय रे आरती करा जाई बंदापना इत्यादि मध्य करा जाई थाए तेणु कालिया शांते ये होचंते राजाधिराज पुरुषोत्तम पंचा आरती ये हूँ पंचा आरती आपण माने देखुचंती जो आरती प्रभु को पंचा आरती समर्पण करा जाउची श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला एवं ए महान परिवेश मध्यरे ठाकुरंकर ए पंच आरती रो व्यवस्था जो पंच आरती माध्यम रे जगन्नाथ महाप्रभुंकर स्वतंत्र ये नीति श्रीमंदिर रे प्रत्यय रही जेतु पतित पावन नारायणंकर सेवा पूजा ये सब पूजा पंडा मानंकर रही पूजा पंडा माने ही करी थांती तेणु तांक भितरु जेहेले करिवे सेथिपाई प्रभुंकर मंगल आरती रो व्यवस्था प्रातः कालरु एवं ये हूँ पूजा परर आरती प्रभुंकर पूजा परे आरती करा जाए तेणु
जगन्नाथ महाप्रभुंकर सेथिपाई श्रीक्षेत्र रे ये महान परंपरा आलत्री ठाकुर को दर्शन करिवा आलत्रिकम यादत्तम गृहाणम परमेश्वर पथित पावन करो ये स्वतंत्र आलती आपण माने देखुचंती जहां को आमे वेदोक्त विधान रे अग्निर देवता बातु देवता सूर्यो देवता इत्यादि मध्य उच्चारण करिथाय तेणु महाप्रभु को सही पंच आलती मध्य समर्पण करा गले जगन्नाथ महाप्रभुंकर प्रतीकात्मक स्वरूप होचंती पतित पावन तेणु जो भक्त माने श्रीमंदिर को जाई पारंती नाहीं से माने एई पतित पावन को दर्शन करी निजर प्रत्येक दुख सुख को मध्य प्रभु को पाखरे समर्पण करी थांती सेथिपाई दिनकृष्ण दास कहिचंती कले भृत्य वत्सल नाथ सेओ नाथ पाही पतित पावन बाना ओछंती जे बही पातकी पातक से करंती क्षमाम अति ही बड़ प्रभु से विचित्र होए कर्म आम चामर कारण ये चामर होचंती गुटिया उपचार प्रभुंकु चामर सेवा श्रीमंदिर गोटे व्यक्तिगत सेवा मध्य चामर सेवा भी अनेक लोकंर अच्छी मठाधीश मानकर अच्छी चामर सेवाटी हूँ जेहेतु व्यक्तिगत सेवा तत्कालीन पूर्व काल विशेष भाव जड़े श्रीमंदिर महाप्रभुंकर भक्त को गोटे सेवा प्रदान करहब जहाँकि चामर सेवा ये व्यवस्था अच्छी किसी दिन तले मध्य एवं ये श्रीमंदिर गोटे विधि व्यवस्था अंतर्गत तबे जाऊ प्रभुंकर सही जेहेतु शीत समय आलोट लगी महाप्रभुंकर नाही केवल जेतेबेले रे भौचंती ग्रीष्म समय रे प्रभुंकर आलोट लगी हुए एबे आलोट लगी प्रभुंकर होय नै तेनु केवल चामर सेवा से चामर सेवा माध्यम रे जगन्नाथ महाप्रभु को जांकर प्रतीकात्मक स्वरूप पतित पावन नारायण को आपण माने दर्शन करछंती एवं महाप्रभुंकर आउ गोटे पार्श्व इठी अरुण स्तंभ पाखरे भक्त माने पहुंची अरुण स्तंभ को मुंडिया टीए मारी से बैरिकेड पाखरे भक्त माने मुंडिया मारुचंती से दृश्य मध्य आसुची एवं अरुण स्तंभ को मुंडिया मारिबा परे सिठी गोटे दीप जलुची गरुड़ सेवक माने विशेष भाव अरुण स्तंभ गरुड़ स्तंभ पाखरे थांती तेणु जी जहाँ सिठी दक्षिणा दियंती से मध्य तांकर गोटे स्वतंत्र रही प्राप्य से तांकर निजोग भितर तार व्यवस्था करती तबे जाऊ अंतर प्रदेश मध्य जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करिबा पाई जो भक्त मान आसंती आपण मान देखुचंती सिंहद्वार रे भी भक्त मानकर जीवा आसवा लगी किए नमस्कार करुचंती तो किए भगवान को समर्पित होचंती अनेक भक्त दर्शन सारी फेरिले आउ किछि भक्त मध्य दर्शन करने को चल कारण महाप्रभुंकर लीला इठी होची स्वतंत्र से पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र रे जगन्नाथ लीला को कही जापरि ना कारण तांको लीला जानिबा एते सहज कथा नुह से
पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र महान लीला ये लीला हूँ तो माया तुते अगोचर कहूँ जानवे नर छार माया सा त्रिविधा प्रकृता विष्णु माया गुहात्मिका तेणु जिते गुड़िए महाप्रभु ये मायाधर जसमात सर्वमिदम प्रपंच सहित माया जगत जायते आमको से जी देखा चिंता करवा आम से जापर ताठू अधिका कश्मीन काले जापर ना तेणु जगन्नाथ महाप्रभु आज पुणी आम से नृसिंह स्वरूप तांकर स्वरूप हूँ नृसिंह श्रीक्षेत्र यज्ञ नृसिंह ये मध्य प्राचीन उपासना जगन्नाथ महाप्रभुंकर श्रीक्षेत्र आपण माने देखिबे जिते सब उपासना अच्छी ता भीतर सर्व प्राचीन उपासना होती नृसिंह उपासना कारण नारद को नहीं जिते बेले इंद्रदुमन महाराज श्रीक्षेत्र को यात्रा कले से समय रे अनेक स्थान परिक्रमा करी करी आसिचंती एवं पुरुषोत्तम क्षेत्र रे पहुंचिबा परे नीलमाधव को तो दर्शन पाइनांती किंतु सर्वादौ नृसिंहंकर दर्शन करिचंती तेणु सी जो नृसिंहंकर दर्शन होता जो स्थान होता से स्थान श्री नृसिंह मंदिर प्रतिष्ठा कर नृसिंह उपासना मालव राजा वैष्णव श्रेष्ठ नीलगिरी को जेतेबेले आसिले ज्येष्ठ शुक्ल पंचमी शुक्रवार रे शुभानुकूल करथिले यात्रा अनुकूल विज्ञाय पंचम्या भृगुवासरे ज्येष्ठ कृष्णे तरे पक्षीए पुष्य रखिए लग्न उत्तमे ये भाव गोटे लग्न होते आसिले भगवान श्री नृसिंह आपण माने देखिबे अनेक नृसिंहंकर उपासना श्रीक्षेत्र रही प्रथमतः इंद्रदुमन महाराज नृसिंह नारायण को दर्शन कले एवं से स्थान सहस्र अश्वमेध यज्ञ करा जाइथिला एवं से आड़प मंडपर ईशान्य भागरे कृष्णागुरु वृक्ष बोली गोटे प्राचीन काल रे थिले से स्थान भगवान नृसिंह को इंद्रदमन महाराज दर्शन करिथिले जहाँ परवर्ती पर्यायर सिटी श्री यज्ञ नृसिंह मंदिर एवं से यज्ञ नृसिंह मंदिर को भक्त माने महाप्रभु को दर्शन करुचंती जाई बड़ दिव्य मूर्ति कारण अनेक नृसिंह पुरी अच्छी वीर नृसिंह शेष नृसिंह लक्ष्मी नृसिंह अभय नृसिंह उग्र नृसिंह भैरव नृसिंह सिंगड़ा नृसिंह आदि नृसिंह यही भाव निशा नृसिंह इत्यादि अनेक नृसिंह कारण भगवान नृसिंहंकर आराधना पूजा ये सबू प्राचीन कालरु अच्छी से नृसिंह उपासना हूँ प्राचीन उपासना भगवान श्री श्री नृसिंहंकर जो उपासना करा जाए भारत वर्ष रे आपण माने देखिबे विशेष भाव रे अनेक प्रकार नृसिंह प्रपूजित होउथिले मध्य विशेष भाव रे दुई प्रकार रो मूर्ति विशेष बहुल भाव रे उपासित एक उग्र एक शांत तेणु
ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଶାନ୍ତ ନୃସିଂହଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆରାଧନା ଗୃହମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନୃସିଂହ ମମ ଦେହି କରାବଲମ୍ବମ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆରାଧନା, ପଦ୍ମପାଦାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ନୃସିଂହ ଉପାସକ। ତେଣୁ ନୃସିଂହ ଉପାସକ ହେଇଥିବାରୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରୀତିନୀତି ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ପୂଜା ଆରାଧନା ଭଲ ମନ୍ଦ ଏ ଯେଉଁ ସବୁ ରହିଛି, ସେ ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଲଭ, ସେ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ଭକ୍ତମାନେ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଏମାନେ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାରରୁ ପତିତ ପାବନଙ୍କୁ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ସେଇ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ସିଂହଦ୍ୱାର ପତିତ ପାବନ ଇଏ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ମଧ୍ୟ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତେବେ ପୂର୍ବକାଳରେ ସେଠି ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମଧ୍ୟ ଥିଲେ, କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟ ଭିତରେ କୌଣସି କାରଣରୁ ବାହାରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି, ପୁନଃ ନିଶ୍ଚିତ ସ୍ଥାପିତ ହେବେ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନେ ଦଶ ଅବତାର ମୂର୍ତ୍ତି ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି ଗୁମୁଟର, ଏବଂ ପତିତ ପାବନ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ନୀଳଚକ୍ର ବାନାକୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ଭକ୍ତ ସବୁ ପାଇଯାଏ ହେଇଗଲା। କାରଣ ସେଥିପାଇଁ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାର ଇଏ, ଯାହା ହଉ ସେ ବୈକୁଣ୍ଠର ଦ୍ୱାରକୁ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଏ ବୈକୁଣ୍ଠ ଦ୍ୱାରକୁ କେହି ଆସିପାରିବେନି। କାରଣ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ପାଦ ପକାଇବାକୁ ହେଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କୃପା ଦରକାର, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ କୃପା ନହେଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆସି କେହି ପାଦ ପକାଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମ ଚକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳ ସପିତ ବସ୍ତ୍ରମ ସରସି ରୁହେ କ୍ଷଣ ସଂହାର ବକ୍ଷସ୍ଥଳ କୌସ୍ତୁଭ ଶ୍ରିୟ ନମାମି ବିଷ୍ଣୁ ଶିରସା ଚତୁର୍ଭୁଜ ସଶଙ୍ଖ ଚକ୍ରମ ସକିରୀଟ କୁଣ୍ଡଳମ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ଯାହାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ କ'ଣ ହୁଏ, ସକଳ ପାପତାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କଲେ ସକଳ ପାପତାପ ନାଶ ହେଇଯାଏ। କେମିତି ନା, ସେ ପରା ହେଉଛନ୍ତି ମହାନ ଦେବତା, ଯେଉଁ ଦେବତାଙ୍କର ସାଧନ ବଳରେ, ଅର୍ଚ୍ଚନ ବଳରେ, ବନ୍ଦନ ବଳରେ, ଠାକୁରଙ୍କର କୃପା ବଳରେ ସବୁ ସମ୍ଭବ। ତେଣୁ ଶ୍ରୀମନ୍ନାରାୟଣ ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେତେ ସବୁ ଲୀଳା କରନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛନ୍ତି ବୈକୁଣ୍ଠର ଲୀଳା। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଟିଭିର ପରଦା ଉପରେ, ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ଭକ୍ତମାନେ ଭକ୍ତିରେ ବିଭୋର ହେଇ ବାଇଶ ପାବଚ୍ଛ ଦେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପ୍ରାତକାଳରେ ଦର୍ଶନ, ଦର୍ଶନାତ୍ ମୁକ୍ତିଦମ୍ ସାକ୍ଷାତ ସର୍ବତୀର୍ଥ ଫଳପ୍ରଦ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ସକଳ ତୀର୍ଥର ଫଳଶ୍ରୁତି ମିଳେ, ଆଉ ତୀର୍ଥ ବ୍ରତ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ
तीर्थ व्रत सबुठार ऊर्धर होचंती जगन्नाथ महाप्रभु। प्रभुंकर दर्शन दर्शनात मुक्तिदम साक्षात सर्वतीर्थ फलप्रद। दर्शन करिबा माने सकल तीर्थर फलश्रुति मिले। तेणु कहुच्छ सकल तीर्थ तो चरणी बद्रिका जीविकी कारण सकल तीर्थ घेनिहरी नीलकंदरे विजय कर। सकल तीर्थ को घेनी महाप्रभु हरि निजे जेहेतु बास करिछंती नीलकंदर रे सेथिपाई कालिया सांतंकर लीला हूँ अनन्य लीला। ये अनन्य लीला को आम भलिया साधारण मनुष्य जानीपर ना तेणु से कृपार समुद्र से महाम्बोधे स्त्रीरे कनक रुचिरे नील शिखरे बसन प्रासादांतो सहज बलभद्रेन बलिनाम सुभद्रा मध्यस्थ सकल सुर सेवा बसरदो श्री जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भव तुमे। तेणु प्रभुंकर से यज्ञ नृसिंह कारण जी यज्ञ ऋषि आविर्भाव मध्य होते पुरुषोत्तम क्षेत्र में श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर से गुंडीचा मंदिर ईशान्य कोण रे यज्ञ नृसिंह मंदिर। तेणु कहा जाए जेते बेले रे विश्वकर्मा पुत्र को नारद महर्षि कहिले यथाशीघ्र नरसिंहदेव एक सुदृश्य प्रासाद पश्चिमाभिमुखी करी उत्तम भाव निर्माण कर। तेणु विश्वकर्मा पुत्र मध्य से समय रे आविर्भाव हो आसीथिले एवं एक मनोरम पश्चिमाभिमुखी मंदिर निर्माण पर इंद्रदमन श्री नृसिंह को नारद महर्षि द्वारा प्रतिष्ठा कराई अश्वमेध यज्ञ आयोजन कले। तेणु से जो अश्वमेध यज्ञ सिटी करागला ता पूर्वरु नृसिंह प्रतिष्ठा एवं देवर्षि इंद्रादि देवगण मर्त्य पातालवासी को आवाहन करी महायज्ञ रे अग्नि जहाँकि यज्ञ अग्नि को स्थापन करी महाप्रभुंकर विराट व्यवस्था जहाँकि सहस्र अश्वमेध यज्ञ व्यवस्था करा से मध्य रे भगवान से नृसिंह भाव आविर्भाव ही मध्य दर्शन दे थिले। तेणु तांकु मध्य यज्ञ नृसिंह कुआ जाए। श्री जगन्नाथ महाप्रभु पावन पवित्र पुरुषोत्तम क्षेत्र नृसिंह नारायण को जदि आम साधारण भाव केवल नृसिंहर अनेक मंत्र अच्छी आपण मैने देखिए गोटे मंत्र होची ओम उग्रवीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतो मुखम नृसिंहम भीषणम भद्रम मृत्यु मृत्यु नमामहम। ये होंगे नृसिंहर मंत्र। तेबे ये मंत्रटी आवृत्ति कले अनेक दुष्कृत नाश हुए। भगवान नृसिंहर ये मंत्र रे पूजा करा जाय थाए आपण माने देखुचंती ये दीपटी जो जलुची ता पाखरे अनेक भक्त माने आसी तांकर अभीष्ट पूर्ण पाई निजे मुंडरे नहीं मारुचंती किए पिलान को मारुची किए होउचंती प्रणाम टीए करुची से दीप उपर हाथ देखी कारण ये जो भाबा बेगर जड़ित स्थान समस्त गोटे आस्था विश्वास स्थान जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये सिंहद्वार से गोटे पटे पतित पावन नारायण आउ गोटे पटे होती पावन पवित्र पुरुषोत्तम सिंहद्वार अरुण स्तंभ।
पतित पावन अरुण स्तंभ द्वयर मध्ये वैकुंठ द्वारम प्रकीर्तितः। ये वैकुंठर प्रमुख द्वार सिंह द्वारटी रही, तेणु ये द्वार ना को से धर्म द्वार बोली कह जाए। ये धर्म द्वार जो द्वार रे छिड़ा ही गले मध्यो धर्म निश्चित भाव रे हबो। तेणु आमर जहा परदा उपरे आसुची जय जगन्नाथ टीवी रो आमे ता उपरे मध्यो निश्चित भाव रे आलोचना को भी जाउचे। प्रभुंकर श्रीमंदिर को भक्त मान प्रवेश करचंती ये सिंहद्वार सम्मुख भाग रे जो बैरिकेड करा जायची, से बैरिकेड भितरे भक्त मानकर प्रवेश देखा जाउची। विशेष भाव रे प्रातः काल रु जहा टिके गहळी थिला सामूहिक भाव रे एबे किछि समय पाई बोध हुए गहळी टिके कमीची, कारण बैरिकेड रु जणा पडुची जे भक्त माने कर भिड़ नाही, अल्प किछि किछि भक्त माने आसुचंती श्री मंदिर को, ता मध्य रे पतित पावन दर्शन मध्य आमे करूचे एवं भगवान श्री श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर ये जो प्राचीन स्थान यज्ञ नृसिंह मंदिर, से यज्ञ नृसिंह मंदिर रे एबे भी मध्य महाप्रभु को भक्त माने जाई थांती दर्शन करिबार। जदि कौनसी व्यक्ति आम पूर्व मु कहूली आपण मानकर जो नृसिंहर मंत्र एत बड़ मंत्र नहीपारा ये भक्त मैंने प्रभु को दर्शन करने चली सिंह द्वार पुरुषोत्तम क्षेत्र में आज मधे कुहुड़ी पड़ी, आपण मैंने देखिए कुहुड़ी पड़ी से झापसा देखा जाक्र दिशुन एवं मंदिर सामान्य दृश्य व्यतीत ऊर्ध भाग देखा जाऊनथिला एबे आस्ते आस्ते टिके टिके देखा गलानी, कारण घन कुहुड़ी भितरे नीलाद्री मंडप कुहुड़ी आच्छादित, तेणु जेहेतु शीत दिन बेले बेले कुहुड़ी तो होए, आज मध्य कुहुड़ी पड़ जाइछि। से दृष्टि नीलचक्र दर्शन भक्त माने पाउनथिले, आ किसी समय पर बोध हुए निश्चित आस्ते आस्ते परिष्कार जी सूर्य उदयर समय गड़ी आग को, तेणु निश्चित भाव भक्त मान दर्शन करेंगे। एत तो व्यतीत सिंहद्वार चलचंचल भक्त मान आसुचंती महाप्रभु को दर्शन करने जो भावावेग रही, ठाकुर को दर्शन करने जो उत्कंठा रही, भक्त टीए सिंहद्वार पहुँची गले से हाथ जोड़ी हाथ जोड़ब कौन आपण मैंने अनुभव करेंगे सिंहद्वार पहुँची गले हाथ मन को जोड़ी ही जाए, जोड़ापी मन पकेवा कि आवश्यक ना, कारण आमर चाली चलनी भल मंद परिचर्या ठारू आरंभ करी पोशाक परिच्छेद एगुड़िक निश्चित मार्जित होबा दरकार। आपण माने जानती एबे श्रीमंदिर प्राय होचंती जानुआरी एक तारिख ठारू श्रीमंदिर प्रशासन पूर्वरु निर्देशनामा मध्ये होईची समस्ते श्रृंखलित पोशाक सब पिंधिकरी आसिबे, जो गुड़िक अतीब नग्न पोशाक को बारण करा जाइची। तेबे श्रीमंदिर प्रशासन सिना ता कहिचंती कथाटा होची कौन आमुक मनु को मन सचेतनता हवा कथा आमे आमुक कहिबे काहेकि कि कारण प्रथम कथा आम भगवान जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन करने को आठ आउ का दर्शन करने को आसी नए, तेणु जगन्नाथ महाप्रभु को जेहेतु आम दर्शन करवा आमको आउ किए देखा कि दरकार ना, से दृष्टि आमको शालीनतापूर्ण जिते से धर्मशास्त्र कहते नम्रंति फलिन वृक्ष नम्रंति गुणीन जनाहाम। आहा ये पारा माने
ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରର ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ୟାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବି କମ୍ ନୁହଁ। ହଁ, କାରଣ ଏମାନେ ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ରୋଜ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି, ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ। ଇଏ ଅନେକ ଜନ୍ମ ତପ ଫଳେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ମହି ତଳେ, ଅନେକ ଜନ୍ମ ପରେ ଯେମିତି ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ, ଇଏ ପାରାମାନେ ମଧ୍ୟ ପକ୍ଷୀ ଜନ୍ମରୁ କୃତାର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ ପରିକ୍ରମା କରି। ଯଦିଚ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ପ୍ରକାରାନ୍ତରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଧର୍ମଦ୍ୱାରରେ ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବ ନାହିଁ। ଯାଉ, ପାରା ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଯିବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଅନାୟାସରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି, ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି, କେହି ହେବ, ଯାହା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପାରା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଚାହିଁବ ସେ ସମୟରେ ଚାଲିଲା। ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଭକ୍ତମାନେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଠାକୁରଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରି ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ମହାନ ଲୀଳା, ଇଏ ଲୀଳା ହେଉଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିଏ ଦର୍ଶନ କରି ଫେରିଲେଣି। ସିଂହଦ୍ୱାର ସେଥିପାଇଁ ଚଳଚଞ୍ଚଳ, ଭଗବାନଙ୍କର ମହାନ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ଆଜି ନୃସିଂହ ଉପାସନା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଭଗବାନ ନୃସିଂହଙ୍କୁ ଆରାଧନା କଲା, ମୋ ପ୍ରଭୁ ଏଇଠି ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ତାର ବାପା ତାକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲେ, କହିଲେ ତବ କର କମଳ ବରି ନଖମଦ୍ଭୁତ ଶୃଙ୍ଗମ ଦଳିତ ହିରଣ୍ୟ କଶିପୁତନୁ ଭୃଙ୍ଗମ କେଶବ ଧୃତ ନରହରି ରୂପ ଜୟ ଜୟ ଦେବ ହରି ଜୟ ଜଗ ଦେବ ହରି ଅପି ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ। ମା ମାନେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ, ଖୋଳ ବାଜୁଛି, ଝାଞ୍ଜ ଧରିଛନ୍ତି, ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ। କାରଣ ସବୁଠାରୁ ପ୍ରକୃଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ହେଉଛି ସିଂହଦ୍ୱାର। ବିବିଧ ସ୍ଥାନମାନଙ୍କରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନମାନଙ୍କରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଦଳମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ବି ମଧ୍ୟ ସେଇ ନଦିଆ ଯାହାକୁ ହେଉଛନ୍ତି ଆମେ ଖୋଳ କରତାଳ ବୋଲି କହୁଛେ, ସେ ଖୋଳ କରତାଳ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କୀର୍ତ୍ତନ ଯେଉଁମାନେ କରିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ରୁଣ୍ଡିଭୂତ ହେଇ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହରେନ୍ନାମ ହରେନ୍ନାମ ହରେନ୍ନାମୈବ କେବଳମ୍ କଳୌବ ନାସ୍ତୈବ ନାସ୍ତୈବ ବଙ୍ଗତିରନ୍ୟଥା, ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ସେଇ ହରିନାମ କୀର୍ତ୍ତନ କରୁଥିବା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରୁଛେ, ସେ ପାଖରେ କାଳିଆ ସାଆନ୍ତଙ୍କର କୃପା ଭିକ୍ଷା। କାରଣ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତି, ସାଧକମାନେ ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ମଧ୍ୟ ଆମର ପୁଣ୍ୟ ହେବ। ଅନେକ ସାଧୁମାନେ ଯେଉଁ ପରିକ୍ରମା କରି ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଯିଏ ଅନେକ ତୀର୍ଥ ପରିକ୍ରମା କରିପାରିବନି ସେ ସାଧୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଦେଲେ ହେଇଗଲା। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେହି ପାବନ ପବିତ୍ର ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାର ଭବ୍ୟ ଦୃଶ୍ୟ କୀର୍ତ୍ତନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ତ ଆମର ସମୟ ହେଇଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ବାଣୀକୁ ଏଠି ବିଶ୍ରାମ ଦେଇ ଆଗନ୍ତୁକ ଶ୍ରୀମତୀ ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ମହୋଦୟାଙ୍କର ସୁଲଳିତ କଣ୍ଠରୁ ଭକ୍ତିଭରା ଭଜନ ସହିତ ଏହି ଅପୂର୍ବ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦର୍ଶନ କରୁଥିବା